stepping up to the competition. वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक हो गए। मैं नितिन चाउड़ा, फिर आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो कोई भी गाड़ी से रिलेटेड नहीं रहने वाली है। जो कोई भी भाई अपना म्यूजिक से रिलेटेड अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए ही रहने वाली है वीडियो गाइस। तो अगर आप एक साउंड सिस्टम के शौकीन हो, अगर आपके पास एक बजट फ्रेंडली सिस्टम है नॉर्मल, जैसे 4 स्पीकर हो गए या फिर 6 स्पीकर हो गए, ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो गाइस। क्योंकि आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जो आपको लाखों रुपए का, जो भाई अपना सेटअप लगाते हैं ना गाड़ी के अंदर, जैसे 3D साउंड के लिए DSP बात कर सो, या मतलब जितनी भी A to Z जितने भी लगवाते हैं, कोक्सर लगवाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें लगवाते हैं, एम्पलीफायर या एनीथिंग, जैसे भी आप कह सकते हो सिस्टम, जो महंगा महंगा अपग्रेड पहुँच के 1-1.5 लाख, 2-3 लाख तक पहुँच जाता है। तो आपको सिर्फ एक चंद फ्री का ऐप है तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ना ही मैं किसी ऐप का यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आपको एक अपने तरफ से रिलेटेड से आपको मैं इस ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो कोई भी भाई अपना एक साउंड सिस्टम अगर 3D साउंड सुनना चाहता हो तो उसके से रिलेटेड है ये वीडियो। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देता हूँ गाइज। तो ये एक ऐप है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये ऐप अपना कैपिचिरो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैपिचिरो ऐप है। तो इसके अंदर आपको 3D इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको 3D साउंड देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में 4 स्पीकर हैं, जैसे कि मोटी आवाज़ आती है तो ये मोटी आवाज़ काट के 3D साउंड ला देता है। जैसे DSP 7200 में आती है, जैसे कि आपको हॉल टाइप आवाज़ आएगी। तो गाइस बहुत से बहुत भाई पहले ये कह रहे थे, मैंने इसके ऐप के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, बहुत से बहुत भाई कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने गाना डाउनलोड नहीं बताया। क्योंकि इस ऐप के अंदर सबसे पहले बता देता हूँ, गाने डाउनलोड नहीं होते गाइस, इसमें आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले इसमें डी मैनेजर से डाउनलोड होते थे, पर ये डी मैनेजर अपना ऐप स्टोर ने हटा दिया है, और ऐप स्टोर के बाद वो मतलब हट ही गया है। तो मैं एक आपको नया तरीका बताऊंगा कि आप इसमें कैसे गाने डाउनलोड कर सकते हैं, और मतलब कैसे मतलब आप कैपिचिरो ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड पूरी वीडियो रहने वाली है। वीडियो एक मिनट स्किप मत करना, क्योंकि आपसे ही अगर आपको पूरी नॉलेज है, आपको पूरा पूरा ऐप यूज़ करना है, तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। तो गाइस फिर मुझसे मत बोलना, वीडियो एक मिनट स्किप ना करना। पहले मैं आपको एक बार पहले पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ कि भाई कोई मैं फ्रॉड तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई तेरी गाड़ी में DSP लग रहा है, मतलब एनीथिंग कुछ भी लग रहा है। पहले पूरी गाड़ी आपको एक बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, बस एक 4 स्पीकर है और 2 आगे ट्विटर लगवा रखे हैं। तो मैं अब आपको इसका साउंड सुनाऊंगा एंड में कि इसका 3D साउंड इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ कि इसके अंदर कोई DSP या मतलब एनीथिंग कुछ चीज़ तो नहीं लग रही। तो चलिए एक बार गाड़ी में दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस एक बार गाड़ी के अंदर चलता हूँ और गाड़ी के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम तो नहीं लगवा रखा हमने। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे, बस इसके गेट में अपने 4 स्पीकर्स लग रहे हैं, जो कि अपने मारुति के जो लगवा लेते हैं, मतलब मारुति के साथ ही आए थे, क्योंकि VXI वेरिएंट है स्विफ्ट का, जो उसके अंदर 4 स्पीकर हैं वो अपने मारुति के जेन्युइन हैं। प्लस और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अपने ट्विटर इंस्टॉल हो रखे हैं, जो कि 2 बड़े बड़े इसे आप कह सकते हो ये रे, तो यहाँ से इंस्टॉल हो रखा है। और एक बार मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ, कभी आप ये कहो कि भाई डिग्गी में तो नहीं धर रखा दुबका के, तो वो वहीं से खुल जाएगा। तो चलिए एक बार आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं, हो गई गाड़ी अनलॉक। तो गाइस ये रही अपनी पेट्रोल वेरिएंट है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ये रे, ये सब इसके अपने मैट हैं, आपके कटलर हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। और इधर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, कभी आप ये कहो कि इस साइड भी आपने कहीं दुबका ऊपर रखा है, कहीं भी नहीं है गाइस। और एक बार आपको इसका ग्लव बॉक्स भी चेकआउट करवा देता हूँ, कभी आप ये कहो ग्लव बॉक्स के अंदर तो नहीं है, तो ये रहा ग्लव बॉक्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल अपने 4 स्पीकर हैं और 2 ट्विटर्स हैं। तो चलिए एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, फिर अब आपको दिखाता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे आप इसमें गाने डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अब गाड़ी के अंदर वीडियो शूट। तो गाइस गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और गाड़ी आप देखो, मैं मेरे हाथ में फोन है, तो देखिए सबसे पहले कैपिचिरो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसमें मैंने NCS का साउंड डाउनलोड कर लिया है पहले से ही, तो मैं अब आपको पहले इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे डाउनलोड होगा और ये कौन से ऐप के साथ चलेगा, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो एक मिनट स्किप मत करना प्लीज गाइस, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे का पूरा ज्ञान आपको पास भी होना चाहिए। जो को भाई अपना 3D साउंड इफेक्ट सुनना चाहता, अपनी गाड़ी में पूरा हॉल वाला फील सुनना चाहता, तो गाइस आपके लिए ये वीडियो। तो देखिए सबसे पहले मैंने खोल दिया पहले कैपिचिरो ऐप, ठीक है जी। इसके अंदर ये वाला मैंने गाना डाउनलोड कर रखा है NCS का, तो ये रहा अपना, यहाँ से पहले आवाज कर लूंगा। ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है, जैसे कि आपको लग रहा होगा मोटी मोटी सी आवाज है। तो देखिए गाइस ये हो गया इसका नॉर्मल वेरिएंट है, मतलब ये से नॉर्मल में ऐसे मतलब आप गाने सुन सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं, देखो इसके इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल है,
3D नॉर्मल है, 3D कॉन्सेप्ट है। तो गाइज अब आपको 3D कॉन्सेप्ट में इसका वॉइस सुना के दिखाता हूँ। देखिए एक बार मैं 3D कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया है और एक बार देखिए इसकी आवाज सुनाता हूँ। तो गाइस इसके अंदर तो खैर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पता चल रहा होगा कि आपको भी देखो नॉर्मल लग रहा है। अगर आपको पंजाबी सॉन्ग सुनना है तो आपका मेरा नितिन ऑटो ब्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं इसकी एक पंजाबी सॉन्ग के साथ काफी अच्छा सॉन्ग होगा जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा इसका इफेक्ट कैसा वहां पर सुनाई देगा। ये भी NCS का साउंड है, तो NCS के साउंड में थोड़ा सा ऐसा होता है कि नो कॉपीराइट साउंड है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो के दौरान लाने पड़ रहे, नहीं तो मैं आपको पंजाबी यहाँ पर भी सुना देता पर यहाँ कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। तो गाइज अब आपको देखो सबसे पहले हो गया है भाई, मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई ये है कैपीचीरो ऐप, और कैपीचीरो ऐप में आप नॉर्मल यहाँ से मतलब आप गाने सुन सकते हो, और यहाँ से अपना आप 3D जो भी अपना कॉन्सेप्ट है जो मतलब आप 3D के में जो गाने होते हैं वो आप सुन सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले बता देता हूँ, देखिए गाइज ये अपना एप्पल है, एप्पल के आप ऐप स्टोर से आप इस ऐप को नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप जो अपना ऐप स्टोर होता है उस पर अगर आप लिखोगे कैपीचीरो तो वहां पर आते हैं दो कैपीचीरो, एक है पेड एक है फ्री। तो आपको पेड वाला नहीं करना है, आपको करना है कैपीचीरो फ्री, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कैपीचीरो को आप यहां से आपको दिख जाएगा, आपको मैं एक बार आपके सामने भी दिखाई देता हूं। ये रहा, तो गाइस ये है अपना कैपीचीरो, यहां से ये रहा आपको सब सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ये रहा यहां से ओपन लिखा रहा है। तो गाइज आपको इस वाले को डाउनलोड करना है जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, एक पेड भी लिखाता है, वो अभी हमारे इसमें शो नहीं हो रहा है कि मतलब पता नहीं क्या है, जब हमने डाउनलोड करा था जब दो शो हो रहे थे, फिर इसके बाद मैंने ये डाउनलोड करा है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है एप्पल के ऐप स्टोर से, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप एंड्रॉइड यूजर में मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये हो गया, सबसे पहले हमने कर लिया ये डाउनलोड। तो डाउनलोड के बाद इसमें आपको गाने तो मिलेंगे नहीं, अब आपको गाने डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अब आपको सीधा सा फंडा दिखा देता हूँ, जो कोई भी मेरा भाई एप्पल यूजर है तो भाई आपके फोन में नॉर्मल एक सफारी रहता है भाई, उसमें आपको सफारी करना है, ठीक है जी। यहाँ से आपका मैंने कर दिया पूरा वॉश आउट, तो ये रहा अपना, आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सॉन्ग लिख दिया, मैंने मनकृत आलोक सॉन्ग MP3 डाउनलोड, ठीक है जी। यहाँ से मतलब मनकृत के जितने भी गाने हैं वो सब कुछ आ गए, फिर आपको अपना नेक्स्ट टाइम पे इस पे करना है, मतलब एक जैसे आप नॉर्मल एक गाना डाउनलोड करते हो वैसे ही आपको गाना इसमें डाउनलोड करना है। फिर मैं इसमें कर लेता हूँ उसका गाना दो रफलान, ठीक है जी। इसके बाद जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको मतलब कितने MB में डाउनलोड करना है ये आपकी मर्जी है कि आप 1.5 में करो या 3.5 में करो या आप 8 के लपेटे में करो, ये आपकी मर्जी है। तो आपको यहाँ से कर देना है क्लिक इस पर, तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है, एक बार देखते रुक जाइए। तो यहाँ से थोड़ा सा गाइस हल्का सा नेट इशू पड़ गया थोड़ा सा, पर एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ से मतलब कुछ ऐसा सरफेस एरिया खुल जाएगा, मतलब आपका यहाँ से मतलब आप जब उस गाने को डाउनलोड कर लोगे ना, ये रहा यहाँ से थोड़ा नेट इशू चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर एक नीचे एक एरो का निशान आता है, तो आपको यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अभी एक सेकेंड, अभी सॉरी गाना डाउनलोड नहीं हुआ है, आपको करनी है सेव टू फाइल, आपको करना है कैपीचीरो में आप यहां से सेव कर लो, ये हो गया आपका गाना सेव यहां पर, ठीक है। और ये रहा अपना कैपीचीरो, आप अगर आप कैपीचीरो में खोलोगे एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू आ गया, एक मिनट, ये रहा यहां से जैसे आप उसे करोगे ना तो आपके यहां पर नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड पे करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मतलब हमने सारे गाने डाउनलोड कर रखे हैं, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये रहा 8 रफलान। तो ये आपको ये ऐसा हो गया, ये अभी नॉर्मल चलेगा, आपको यहाँ से नीचे एरो पर क्लिक करना है, और एरो पर क्लिक करने के बाद आपको कैपीचीरो में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से अपना 2 रफलान मनकृत आलोक का गाना अपना इसमें वो हो गया, तो यहाँ से अपना ये 2 रफलान अपना यहाँ पर पेस्ट हो चुका है गाना, और यहाँ से मतलब आप 3D साउंड इफेक्ट चला सकते हो, ये रहा 3D साउंड।
तो गाइज अपना एक सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब इसमें मतलब कोई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो गाइज देखिए सीधा सा प्रोसेस है, आपको कैपुचिनो डाउनलोड करना है, फिर इसके बाद आपको सफारी में जैसे नॉर्मल आप MP3 गाने डाउनलोड करते हो, आपको ऐसे ही गाने डाउनलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा, वहां पर डाउनलोड के ऑप्शन पर आप जाओगे तो आपको सीधा एरो में जाके आपको कैपुचिनो में गाना पेस्ट कर देना है, फिर आप उसे 3D साउंड या मतलब आप नॉर्मल सुनना चाहते हो तो यही है। तो गाइज अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जो कोई भी भाई अपना म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड शौक रखता है उस भाई को जरूर शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करवाना है, ना ही आपको अपनी गाड़ी में DSP इंस्टॉल करवाना है, आपको बेस ट्यूब पर आपको फील बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। और इंस्टाग्राम पर इसकी रील जरूर डाल दूंगा और आपको जरूर जाके वहां पर देखनी है कि 3D साउंड इफेक्ट कैसा मजा आने वाला है इसके साथ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।